जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के तारीखों की नजदीकियां बढ़ रही हैं, वैसे वैसे कांग्रेस का कुंबा छोटा होता जा रहा है। पानीपत में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। इसराना से कांग्रेस नेता सलीका ने पार्टी को अलविदा कह दिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर भारी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी प्रत्याशी कृष्णलाल पवार के समर्थन में प्रचार करेंगे। प्रचार कर रहे बीजेपी प्रत्याशी कृष्णलाल पवार का लोगों ने यहां पर जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की जीत होगी। मैं इसके बारे में यही कहूंगी सर कि मैंने अपने अन्याय का बदला लेने के लिए नहीं, मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी में क्या और नेता नहीं थे? क्या बार बार एक ही नेता को चुना जा रहा है सिर्फ इसलिए कि वो भूपेंद्र हुड्डा जी के ज्यादा करीब है या भूपेंद्र हुड्डा जी की ज्यादा पाँव पोसी करता है? मेरे को भी एन मौके पे यही कहा गया था कि मैडम जाके ना आप भूपेंद्र हुड्डा जी के पाँव पकड़ लो, आपका काम चल जाएगा। मैंने एक ही बात कही थी, मैंने कहा मैं पाँव पकड़ने का कारण तो तब होना जब मेरे अंदर काबिलियत ना हो। मैंने डोर टू डोर कंपेनिंग की है, मेरे साथ में पूरा 18 गाँव का समर्थन है, ब्लॉक समितियों का समर्थन है, प्रेजेंट सरपंचों का समर्थन है, उसके बावजूद भी मेरी दावेदारी को कम आंका गया। तो इसमें सर मेरे को आप ही बता दीजिए क्या मेरा ज्वाइन करना ठीक है या गलत? पिछले गांव पुराना में इतना भारी हजूम था, उसी प्रकार से हमारे बलवान शर्मा है और हमारे रामदिया सरपंच के इनके नेतृत्व में सालिका बहन जी है, इतना भारी जन समर्थन आपके सामने है। छत्तीस बिरादरी के लोग अपने साधनों के साथ और गांव में प्यार के साथ पैदल चल के इतनी भारी भीड़ उमड़ रही है, ये जनता प्यार है। निश्चित तौर पर आने वाली 21 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भाई कृष्णलाल पवार निश्चित तौर पर विजयी होगा।